भोजन पर सुधार कीजिए आचरण पवित्र रखिए गृहस्थी में है तो एक पत्नी व्रत इधर उधर दृष्टि गंदी मत डालिए कोई ऐसा खान पान मत कीजिए जिसे राक्षसी भोजन कहते हैं और इसके बाद जैसे साधन में चल रहे हो अभी तो बीज भी फूल के अंकुरित नहीं हुआ चुपचाप दबा रहने दो जैसे खेत में बीज बो देना और रोज देखे कि अंकुरित हुआ कि नहीं वो बीज नष्ट हो जाएगा अभी तो भजन का एक पौधा भी आरोपित नहीं हुआ अनंत जन्मों के पापाचरण हमारे द्वारा होते रहे अभी दो महीना से हम सत्संग सुन रहे दो तो इतना लगने लगा ना बहुत बड़ी बात हो गई इसी को बढ़ाते चले जाओ धीरे 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 तो एक दिन भगवत कृपा से आनंद आने लगे जब आनंद आएगा फिर छोड़ेंगे नहीं फिर जब आनंद आने लगे फिर भजन नहीं छूटेगा अभी क्या है मन मलिन है ना तो संसार के भोगों में आनंद जानता है इसलिए भागता है तो भजन ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा और भोगों का चिंतन स्वाभाविक क्योंकि उसमें सुख लगता है और जब भजन में सुख लगेगा तब भोग कड़वे लगने लगेंगे और आनंद आने लगे फिर भजन छूटेगा नहीं पर करते रहिए करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान अभ्यास के द्वारा ही ऐसी स्थिति आती खूब भजन करो